फोकस अगर माया तांजी होस कौसर शिराज नाजी इन प्रोग्राम में ऐसा कोशिश कंदी तो माशरे के मसलन के आला इकतदारी अवान तई पहुँचाया वे तो जी उन को हल निकरी सके। नाजीन जी तो खबर आए रमज़ान शरीफ शुरू थी है। रमज़ान शरीफ जो भलारो महीनो शुरू थन्दे ही बेन इस्लामी मुल्कन में तो शेन के अघन में सस्ताई थन्दी है पर इतने गाल उबतड़ है। यो ही अहवा बुधा रो है कराची में धरती न्यूज़ जो रिपोर्टर इरफान शाह दिसू ता ये रिपोर्ट। बाजार में कहाँ फायदा, टमाटर क्या खाएंगे, वो रोजे में तो फ्रूट खाएंगे ना, फ्रूट इतना महंगा है, केला इतना महंगा है, खरबूजा इतना महंगा, आम इतना महंगा, बच्चों को क्या खिलाएंगे हम लोग, कैसे ये बचत बाजार है। फ्रूट कैसे मिल रहा है आपको, फ्रूट कितना महंगा मिल रहा है, केले देखें जरा कितने महंगे, जो 20-25 मिलते थे आज देखें 100 से भी ऊपर का मिल रहेगा। ये रमजान में बढ़ गया या रमजान से पहले? रमजान में बढ़ गया। हुकूमत को कहना है, आवाम को रिलीफ देना चाहिए ना रमजान में, और ममालिक में देखे आप लोग सब जगह कितना रिलीफ होना, यहाँ 100-150 महंगी हो रही है रमजान में, रमजान में और ज्यादा महंगी हो गई चीजें। यहाँ बचत बाजार के लिए आए थे और आके देखा तो वही रेट जो बाहर मिल रहे हैं वो यहाँ मिल रहेगे। हाँ तो अग में घट होती तो महंगी थी यार, अग में होती 5 रुपया 15 रुपया थी यार, मिर्चों 10 रुपया 20 रुपया कई महंगाई घट गया, गवर्नमेंट कुछ घट को हर शे फुल पास 30-40 उतें भी वही अग कुछ घट कीमत कान थी को घट रमजान में नचो महंग गरीब की वैल्यू कान खबर का शे वही अग वही दाम वही अग हुकूमत के घुर्ज कुछ कदम खड़े हुकूमत सैद कायम अली शाह कुछ एम्प्रेस मार्केट वो छापो ही उनके कुछ करना टेन करना कुछ हुकुम की हुकूमत को एक्शन अमल को गरीब हिंसर भी असा भाजियों वे परे आया हूँ वे भाड़ा किरवा भरे आलू बसर प्याज हर शे महंगी काडे वनू फ्रूट फ्रूट तमाम महंगो आ रोजन का पे कुछ फ्रूट सस्तो हों हाँ तो बीणू कर छोड़ फ्रूट गरीब रोजेदार रखने ला बो टो परेशान लगा पा सख्त परेशान हूँ असा जे का शे वी को सकूँ हुकूमत घुर्ज तो उन्हें कुछ कदम खड़े अमल करे हुकूमत मैं हिसाब से ही दियन पा थोड़ो मार्जन है बारे को हाँ मार घट है थोड़ो हाँ ये तो मार्केट है कि मतलब बार शेड़े तरीके से रिटेल प्राइस को लिखल रहते पर हिसाब से सही है रमजान में थोड़ो एहतियात इन्हें बाकी बाहर फ्रूट वगैरह ये तो जुलम लगो पा रमजान में सब्जी वब्जी भी मतलब इनमें थोड़ो घटता ही ना महंगाई बस हुकूमत पा ऐसो पे हिसाब से हले पी चवन था असा मतलब सब्जी सबनन शेन थे पर आए कोन बस ये जमाना ये पे हले बस पाकिस्तान के अला सुधारे सही पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हाँ असल चढ़ा सस्ता तो कुछ भी नहीं है जो घर के पास मिलता है वही यहाँ पे बस ये कि एक सब चीज़ें इकट्ठी मिल जाती है तो लिहाजा ये आपके लिए बेहतरी है। मार्केट के हिसाब से बचत सर बाजार सिर्फ नाम है, दिल को तसल्ली देने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, आए या ना आए ये बहाना है हमारा आने का। अच्छा क्या क्या मींस के हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत देखे हर चीज महंगी है, फ्रूट तो बंदा खरीद, बात ये कि हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ है नहीं यहाँ पे, अगर है भी तो वो बड़े लोगों के लिए छोटों के लिए नहीं है। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि बचत बाजार के अंदर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये हुकूमत जब हुकूमत की अमलदारानी नहीं होगी अनएम्प्लॉयमेंट है और दूसरी चीज़ें हैं तो लिहाजा ये चीज़ नहीं हो सकती, इसका बेहतर महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती जब तक ऊपर से नहीं होगी सच्चाई नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे रिस्क हलाल, हमारे रिस्क हलाल ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, जब एक जो है तैयब चीज़ हम नहीं खाएंगे तो आगे कहाँ से करेंगे।
अल्लाह का शुक्र है भाई, जो दाल रोटी मिल गई। महंगाई कैसे देखते हैं? महंगाई का भाई कोई रोना नहीं, कुछ चीज ले रहे हो कि आप कितना हमारे लिए रिलीफ दे सकते हो, सिवाय ये मैक लेके कैमरा लेके टीवी पे शोर तो मचाते हो, काम कोई नहीं होता। तो हम क्या करें? बेकार है बस। तो फिर मीडिया क्या करेगी? मीडिया को क्या, खाम खा पब्लिक को परेशान कर रही है, और कोई बात नहीं। अगर आप अच्छी बात करोगे तो एवानों तक बात जाएगी। नहीं नहीं, वो नहीं जाती भाई, ऊपर से नीचे तक सभी ऐसे ही है। अच्छा, तो महंगाई आप अफोर्ड कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं ना, तो इसीलिए महंगाई कर रहे हैं ना कि हम हर चीज खरीद सकता हूँ। नहीं खरीद नहीं सकता हूँ। आप ये जो लगा रहे हो, आप क्या करते हो हमारे लिए, ये बताओ। मैं आपकी आवाज नहीं, अब नहीं पहुंचा सकते आप क्यों? जरूरत नहीं, आप बोल नहीं सकते हो। नहीं बोल रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ मैं, बोल नहीं सकते। किसी दिन ज्यादा और ज्यादा बोलूंगा, किसी दिन बोरी में पड़ा हुआ भी लूंगा। क्या मिलती है, वही चीज होती है। आप लोग अगर थोड़ा सा यहाँ से चले जाते हैं तो ये कहानी यहाँ पर वही चीज होती है। आप लोगों को देख के लिस्टें लगाई दी जाती है, महंगाई ने तो मार दिया है। बजट पर कुछ भी नहीं होता, फर्क नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता। अच्छा, कुछ भी नहीं होता। हाँ जी, जहाँ जाए यहाँ इसलिए आया जाता है। हाँ। जुम्मा बाजार है, तौर बाजार में किस लिए लोग आते हैं? कि यहाँ शायद हमें कुछ कम मिल जाए। अच्छा। लेकिन नहीं। अच्छा। वही चीज बाहर है, वही चीज यहाँ है, हर चीज वही है। लिस्ट आपको देख के लगा दी जाती है, यहाँ वही चीजें होती है, कोई नहीं होता। आज आप आए हैं, आप चले जाएंगे, फिर यही होगा। बाहर के रेट से ज्यादा नदी मार्केट रेट बजट बाजार, नाम बचत बाजार है। 60-70 रुपए, 70 रुपए किलो दे रहा है वो आम। हाँ। बाहर चले जाओ आपको 50 मिल जाएंगे वो ठेले। तो फिर आप क्यों आए बचत बाजार? आए इसीलिए कि शायद मिल जाएगी। क्यों आता बंदा? इसीलिए आता है ना कि सस्ती चीज मिलेगी नेचुरल। लेकिन जब बाहर पता करके अंदर आता है तो फिर पता चलता है कि नहीं बाहर महंगी। फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। मैंने तो ये बता रहा हूँ कि 50 रुपए बाहर है, 70 रुपए यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आम की एक बात बताई आपको इस तरीके। क्या करना चाहिए हुकूमत को इस मामले पे? बचत बाजार लगती है। हाँ, हुकूमत को इसकी प्राइसेस पे कंट्रोल करना चाहिए डेफिनेटली। उनका रेप हो जो यहाँ पे चेक करता फिर है डेफिनेटली, फिर इनको हिम्मत नहीं होगी कि भाई ये पकड़ा जाऊंगा। और अगर नहीं कोई ऐसा होगा तो आपको पता कुछ सब एक दूसरे की आंखों में झूल झोंक रहे हैं। वो बोलते हैं ये और वो फलां, जैसे आप भी इसी शहर में रहते हो, आप भी देख रहे हो, कुछ भी नहीं है। अच्छा, बचत बाजार का नाम है। खामखा बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जब तक बेवकूफ़ जिंदा है अकलमंद भूखा नहीं मरता। आप क्यों नहीं बोलते जी यहाँ की यूनियन संभालती है? उन लोगों को क्यों नहीं कहा जाता? वो तो कुछ नहीं कहते, क्यों बैठे होते हैं? जब कोई कम्प्लेन लेके जाता है ये सिर्फ लगी होती है, वो कहते हैं आगे चले जाओ, जिससे अगर कोई लेता है वही रेट दे रहे हैं। ये तो अभी दे रहे हैं ना, आपके सामने दे रहे हैं ना, इसके बाद आप तो नहीं होते यहाँ। अच्छा जी, अच्छा। जी टमाटर लेके हम 25 रुपए किलो बेच रहे हैं। अच्छा, उससे भी कम दिया जा रहा है रेट लिस्ट। हाँ, उससे भी कम बिके जा रहा है। मार्केट रेट से कैसे दे रहे हैं? उससे भी कम बिक रहे हैं मार्केट रेट से। जी जी, कहते हैं लोग की तो ग्राहक बोलेंगे ना भाई, हम तो मालूम करो, रेट मालूम करें, फिर उसके बाद फ्राइज दे दें। लिस्ट लगे हुए पड़े टमाटर के, 33 रुपए हम 25 रुपए किलो बेच रहे हैं। क्या समझते हैं मार्केट में टमाटर कैसा है? मार्केट में 40 रुपए बिक रहे हैं, यहाँ पर 25 रुपए किलो बिक रहे हैं। अच्छा, 25 रुपए किलो रेट इसका रेट है। हर जगह पे प्राइस लगे हुए है, आप प्राइस तो देख लीजिए पहले, उसके बाद फिर इनकी जो बात है ये भी दुरुस्त है। इनकी बात के बाद लोग करते हैं ऐसा, ठीक है ना? ये बात तो प्राइस जो हमने देखी ना, तो कमिश्नर कराची के रेट है ये। हाँ, ये कोई स्टॉल होल्डर के नहीं है, कोई आवाम के नहीं है, कमिश्नर कराची के रेट है ये, समझे आप? वो रेट आते हैं उस हिसाब से ये लोग बेचते हैं। अब इनको जो रेट दिए जाते हैं वो लगे हुए आपके सामने, अब जिसके लगे हुए। जी जी, ये सिर्फ सामने लगे हुए, बिल्कुल ये लोगों के सामने लगे हुए, इसके बाद नहीं होता ये। अच्छा, ये तो आपको पता होता है, देख लीजिए। अब आपके सामने नहीं, हमारे सामने है, मैं इनको बता रही हूँ। आप ऐसा करिए, आप आगे जाके देख लीजिए, अगर ना हो एक आध स्टॉल होल्डर होगा, एक आध स्टॉल होल्डर होगा। आप मार्केट के जिम्मेदार हैं, तो मैंने लोगों से बात की है। जी जी जी, सब लोगों का यही कहना है, शिकायत है कि जो रेट लिस्ट लगी हुई है उनके भी लिस्ट के मुताबिक भी रेट नहीं मिलता है। कि आप इसको सुने, कैमरे को ऑफ करके आप खुद रेट मालूम करते रहे, आपको पता चल जाएगा। जहाँ शिकायत होगी आप मुझे बताइए, मैं एक्शन लेता हूँ इनके। आप लोग खामोशी क्यों नहीं छापा मारते हैं बताइए? अच्छा, मैं तो ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए आराम से छापा मारें। हम इन्फॉर्म करके नहीं आते, मैं आया हूँ जैसे ही तो लिस्ट लगी हुई। देखिए, आपके इन्फॉर्म करने न करना बराबर है, क्योंकि आपके हाथ में कैमरे मूवी कैमरा है। आवाम को भी तो बाशोर नहीं, ठीक है, आप बात कर रहे हैं, आवाम को बाशोर होना चाहिए ना कि भाई अगर हम चीज ले रहे हैं तो हम रेट लिस्ट देख के लेंगे। इतफा करता हूँ कि आवाम को वाकई में बाशोर होना चाहिए, लेकिन आवाम के पास इतना पैसा आगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि वो उसको केयर ही नहीं कर रही है। देखिए, इसका असर एक छोटी सात के जो छोटे तबके में ज्यादा हो रहे हैं। आप एक चीज ले रहे हो, परचेज कर रहे हो, आप बड़े लिखे हो, आपको सब बताएगा, एक रेट लिस्ट के मुताबिक
मुताबिक इनको रेट देना चाहिए, ठीक है, आवाम को बाशर होना चाहिए। तो जब लिस्ट नहीं लगी हुई है तो आप मीडिया से बात करोगे तो आप बोलोगे कि लिस्ट आप मीडिया के आने के बाद लगाई जाती है, तो आप क्यों एक्शन नहीं लेते, आप एक चीज परचेज करते हो। देखिए मैं आपको दो बात बताऊँ, आपकी आवाम एक तो बहुत ज्यादा मासूम है, सही, एक होशियार भी है। अच्छा, एक बार इतना पैसा है कि वो इसकी फिक्र ही नहीं करेगी कितने दे रहा है। लेकिन बादशाह लोग पूछते हैं उनको ऐसे जवाब दे देते हैं। अच्छा, लिस्ट में मैंने देखा है। अच्छा, कि आज भी वो केले 100 रुपए डजन, तो क्या गवर्नमेंट का रेट 100 रुपए डजन है? मैं तो समझता हूँ इस बात को कि बिल्कुल झूठ है ये। अच्छा, ये लिस्ट बनाने वाले कौन है बताइए? ऐसी माफिया बैठी हुई है जो जिनके कॉन्टेक्ट ऊपर है हाई कोर्ट पैमाने पे, वो कहते हैं भाई हम लिस्ट बना रहे हैं आपको कितना चाहिए पता। कहने मकसद ये कि आवाम को भी शऊर आना चाहिए, आवाम को इंसिस्ट करना चाहिए, बात करना चाहिए कि यार ये आप लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन कोई नहीं बोलता यहाँ पर, सबको अपनी पड़ी हुई है ऐसी की बस हुई है। अच्छा, कोई इधर फायदा नहीं है। अच्छा, बचत बाजार का सिर्फ नाम है। महंगाई है, सस्ता, बिल्कुल महंगाई है। अच्छा जी, फ्रूट बाजार मजबूरी वठण आन पुट। अच्छा, हां वो देखो छता समझो देखो मने छा करण घुर जे घट करण घुर जे रोजन में करण हु खण न करण त न करण गरीब मनु जो वसी ने कुछ फ्रूट वठी सके वही गालन मनु न खाए ठीक है खाणो तो पए तो न पुट। जी नाजीन, इन वक्त असं कराची के इलाके राशिद मिनास रोड बुद्ध बचत बाजार में मौजूद आयूँ। इतने असं जो मुख्तलिफ रेट्स दिठासी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हवाले से स्टालन से लिस्टू लगल फ्रूट जी हुजन सब्जी जी हुजन या कें भी शे जी हुजन उन्हें जो असं लिस्टू दिठी उन रेट्स दिठासी तो जे लिस्ट मुताबिक इतने रेट्स दई दिना पाया वन। बचत बाजार जो रेट जो मार्केट के हवाले से हों बिल्कुल कम हों इन हवाले से बचत बाजार कराची के हर मुख्तलिफ इलाक में मुख्तलिफ डीएन लगती हूँ हफ्तेवार लगती हूँ 27 हफ्तेवार मार्केट लगे और मार्केट में जो सो हर हंध एक ही हंध सब जगह शौजूद होंद मान सहूलत है तो एक ही मार्केट में जो सो ये जगह इतने हर शे खरीद कर सकते थी। पर आवाम को पुछा कर रमजान के हवा से महंगाई चोट चढ़ल है फ्रूट और सब्जी ए कई बहुत जो भी आम शूं भी सो चोट चढ़ल कें मान से ये पुछा कर रड़ी क्यों तो तक इतने मीडिया के अचान फौरन ही लिस्टू लगे वन पे लिस्टू गायब लगी मनपसंद रेट्स से जो फ्रूट्स सब्जियों बी परचेज कर रहा है। आवाम जो ये चवण है तो गवर्नमेंट इन नजरसानी कर घट में घट आवाम के गरीब आवाम के हर तबके के आवाम के रिलीफ देने की पूरी कोशिश करे। कैमरामैन अब्दुल जब्बार भुट्टो से गड सैयद इरफान दर्दी टीवी न्यूज़ कराची।